पहले रोते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उसके एक दिन बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने तमीम इकबाल को अपने घर बुलाया, उसके बाद क्या हुआ आगे जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, तमीम इकबाल वनडे में बांग्लादेश टीम के कप्तान है और अभी कुछ महीनों में वर्ल्ड कप और एशिया कप खेला जाएगा और तमीम इकबाल ने वर्ल्ड कप से पहले संन्यास लेकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ वनडे मैच खेल रही है, जहां बांग्लादेश पहला वनडे मैच हार गई अफगानिस्तान से। उसके कुछ घंटों के बाद तमीम इकबाल ने संन्यास ले लिया था, लेकिन बांग्लादेश के पीएम ने तमीम को अपने घर बुलाया और रिटायरमेंट वापस लेने के लिए कहा और तमीम ने तुरंत प्राइम मिनिस्टर की बातें मानकर रिटायरमेंट वापस ले लिया।